चलो 4.2 के तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। पूछा है कि अभी तक जो दो सॉल्यूशन दिया हुआ था, दो एस वाई की वैल्यू दी हुई थी 0.2 2.0, वो तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे नहीं, कंफर्म हो गया। अब 4.0 हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसका है भी या फिर नहीं। आइए इसे देखते हैं। इसे कैसे देखेंगे हम, हमें क्या वही किया, पुटिंग एस इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में, इन गिवन इक्वेशन में हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। आइए पुट कर देखते हैं, पहले लिख देते हैं उसके बाद वही काम करते हैं। एक्स जगह एक्स की वैल्यू पुट करी, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स जगह एक्स पुट करिए, 4 है माइनस 2 इंटू वाई क्या है, इससे पहले हम उस फॉर्म में बनाते हैं, आपको पता है एक्स माइनस 2 वाई, सॉरी यहाँ बनाना अच्छा है, इसे ऊपर बना लिए, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 ओके। इस फॉर्म इक्वल उस साइड में 0 रखना होता है, जो ये इक्वेशन इसको आपको यहाँ लिखना है, फिर ऐसे लिखिए। हमने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी 4, और वाई की जगह पर हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी 0, और माइनस 4 था हमने माइनस 4 लिख दिया, सॉरी ये आपको लिख दिया 4 4 है। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा क्या होगा, 0। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होने पर 0 होता है, कंफर्म है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होने पर 0 होता है, कंफर्म है, तो 0 आ गया। माइनस और ये 0 हो गया, माइनस 2 नहीं हो गया, 0 हो जाएगा। और माइनस 4, किसी भी नंबर में 0 घटाने पर या 0 को जोड़ने पर हमारा क्या होता है, वैसा 0 होता है, आई 0 हो गया। अब 4 प्लस है, 4 माइनस है, क्या था प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, 4 प्लस में 4 घटा दें, 4 में 4 घटा दें, क्या आ जाएगा 0। क्या आंसर आया हमारा, 0। अगर इन वैल्यू को इनमें पुट करने पर 0 आ जाए तो इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं, ठीक 0 आ गया मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन है तो लिखिए, सो क्लियरली, सो क्लियरली 4.0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 2 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है। सो क्लियरली 4.0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये तो पहला दूसरा तो सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन ये तीसरा सॉल्यूशन है इसका, ओके अब हमें 4 चेक करना है वो सॉल्यूशन है कि नहीं, इसे नोट कर लीजिए फिर से, इसका हो गया नोट, ओके करते हैं, इरेज करते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन से मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा,